हेलो प्यारे बच्चों माय सेल्फ शक्ति समर सिंह ट्रिपल एस आई एम प्रेजेंटिंग डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ जे एडवांस 2024 पेपर वन केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक सेक्शन प्यारे बच्चों लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एन ऑर्गेनिक विच इज़ वेरी सिंपल इट इज़ कम फ्रॉम एनसीआरटी, बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर disproportionation of an aqueous solution of in C2 generated nitrous acid gives the species. बच्चों हमारे को ये बात समझनी जरूरी है कि जो nitrous acid होता है HNO2 ये 0 to 5 degree centigrade पर सिर्फ पानी में non solution है. अगर हम पानी में इसको evaporate कराने की कोशिश करेंगे या फिर उस solution को aqueous solution of HNO2 को ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर या उससे अबोव टेम्परेचर पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो एच एन ओ टू डिस्प्रोपोर्शनेट होगा डिसप्रोपोर्शनेट होने का रीजन क्या है किस तरह से वो डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है ये मैं आपको अभी बताता हूं इससे पहले बच्चों एक छोटी सी टेक्निकल सी टर्म यहां पर लिखी हुई है इन सीटू जनरेटेड नाइट्रस एसिड ये इन सीटू का मतलब होता है जब हमने यहां पर नाइट्राइट आयो आयनिक नाइट्राइट आयन और एसिड को मिलाया एच एन ओ टू बनेगा तो ड्यूरिंग द रियास एच एन ओ टू यहां पर बना है हमने इसको किया है। हम HNO2 से कोई करवा, I mean, और acidic, strongly acidic solution में लेकर के हम कोई प्रोसेस करवाने जा रहे हैं उसमें इस दौरान एच एन ओ टू बना है और ये एच एन ओ टू फिर फर्दर कंज्यूम हो रहा है इसको बोलते हैं इन सी टू जनरेशन प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो HNO2 एक्चुअली इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एच एन ओ थ्री लिक्विड सोल्यूशन है एनओ गैस है और वाटर लिक्विड सोल्यूशन है तो रिएक्शन तो इस तरह से हुई है बच्चों एच एन ओ टू डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ एच एन ओ थ्री में एनओ NO में एंड वाटर uh, में टूटा एच एन ओ थ्री एंड वाटर मिलकर के इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे एक्वा सोल्यूशन के अंदर तो अगर हम ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन के हिसाब से एच थ्रियो प्लस नाइटेट आयन एंड एनो हमारे मिलना चाहिए ए ऑप्शन में देख सकते हैं एच थ्रीओ प्लस नाइटेट आयन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है जबकि बी ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो गलत बात है सी ऑप्शन में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एनओ NO माइनस है यह बिल्कुल ही गलत है एच थ्री ओ प्लस नाइटेट आयन एंड नाइट्रस ऑक्साइड है ये गलत है तो आंसर ए हो जाएगा अगर हम इसको देखें कि एच एनो टू किस तरह से एच एन ओ थ्री और एनओ NO में टूटा तो इसके लिए देखिए बच्चों एक मैकेनिज्म है जिसको हमें जरूर से जानना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में दोनों में आता है एच एन ओ टू एसिड है वीक एसिड है एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये इस तरह से डिसोसिएट होगा एच प्लस एनओ टू माइनस अनडिसोसिएटेड एसिड क्योंकि एच एन ओ टू वीक एसिड है डेसोसिएटेड एसिड रहेगा यहां पर इसमें H प्लस ओ एच के पास जाएंगे इस तरह से एच <coughs> ये लिविंग ग्रुप बना बच्चों like इट ये निकलेगा और साथ में बनेगा NO प्लस विच इज इलेक्ट्रोफाइल बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से HNO3 में HNO2 में अटैक करेगा और ऐसा कुछ क्या बनेगा ये इमीजिएट H प्लस यहां से ये H प्लस एसिड की तरह निकलेगा तो ये बन जाएगा एन टू थ्री डायनाइट्रोजन है बच्चों एन टू थ्री एन टू थ्री बहुत लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है इसके लिए रूम टेम्परेचर पर एन टू ओ थ्री इमीजिएटली टूट जाएगा और वो जो टूटेगा वो टूटेगा एनओ प्लस हमने यहां पर तीन मोल एच एन ओ टू लिया था जो एक मोल एच एन ओ थ्री दो मोल एनओ NO एंड एक मोल वाटर में टूटा था अगर मैकेनिज्म हम इसका देख रहे हैं तो इसमें फिलहाल एच एन ओ टू यहां पर कंज्यूम हुआ है दूसरा एच एन ओ टू यहां पर कंज्यूम हुआ है दूसरा मोल एच एन ओ टू तीसरा मोल एच एन ओ टू अगर कंज्यूम होगा तो इस जगह पे होगा एच एन ओ टू यहां पर इन फ्रंट ऑफ एनओ टू एक reducing agent की तरह काम करेगा एनओ टू एजेंट की तरह काम करेगा और यह टूट जाएगा आई मीन टू का ऑक्सीडेशन करेगा और बना देगा एच एन ओ थ्री प्लस एनओ सो हम देख सकते हैं फाइनली तीन मोल एच एन ओ टू ये एक मोल रहा ये दूसरा मोल रहा और ये तीसरा मोल रहा तीन मोल एच एन टू एक मोल एच एन थ्री दो मोल एनओ, एक एनओ है और एक मोल बचो ये है, दो मोल एनओ, और एक मोल वाटर, जो यहां से निकला था हमने अभी निकाला था ये वाटर मॉलिक्यूल एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह से टूट गया ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ पेपर वन केमिस्ट्री पेपर जेई एडवांस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आई एम डिस्कसिंग ऑर्गेनिक सेक्शन ऑफ पेपर वन जो डस्ट टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनिक ऑफ दिस पेपर एस्पार्टम वैजों एस्पार्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये गिवन है एनसीआरटी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्वेश्चन में लिखा है एस्पार्टम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अ डाइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड का नाम है एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल स्ट्रक्चर ऑफ इज एक्चुअली बच्चों ये दो अमीनो एसिड हैं फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड अगर हम इनका नाम देखें तो एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर जो कि एस्पार्टम का आ, आई नेम है हमें ये पता बता होना चाहिए बच्चों कि चाहे डाइपेप्टाइड हो ऑलिकोपैप्टाइड हो या पॉलीपेप्टाइड हो सबसे राइट अमीनो एसिड उस पेप्टाइड का पेरेंट अमीनो एसिड होता है बाकी रिमेनिंग अमीनो एसिड सब्सिटुंट होते हैं तो अगर नाम देखें तो पता चलता है फिनाइल एलानिन इस डाइपेप्टाइड का पेरेंट अमीनो एसिड है और पेरेंट अमीनो एसिड हमेशा राइट में रहना चाहिए सो so, ये फिनाइल एलानिन है जो राइट में रहना चाहिए इसके साथ इसने मिथाइल ईस्टर भी लिखा हुआ है बच्चों फिनाइल एलानिन में कार्बोक्सिलिक का मिथेनोल के साथ रिएक्ट करा करके इसको मिथाइल ईस्टर बनाया गया है और अब इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई है एस्पार्टिक एसिड से जो इस तरह से गिवन है और हमारे को इन्होंने पूछा है कि एस्पार्टम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए देखिए ये चार ऑप्शन है जिसमें स्पार्टम का स्ट्रक्चर हमें पता करना है देखिए बच्चों अगर हम यहां पर देखें ये स्पार्टिक एसिड है जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड है इस डाइपेप्टाइड का तो वो राइट में रहना चाहिए तो फिनाइल एलानिन एलानिन मिथाइल ईस्टर राइट में है एस्पार्टिक एसिड लेफ्ट में है इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने निकाला एक्चुअली ये रिएक्शन इस तरह से कुछ होती है जो हमें करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें समझ आना जरूरी है ये बच्चों कुछ इस तरह से अटैक होता है पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है फिर इस तरह से अटैक होता है ओएज OH सब्सिट्यूट होता है एसेंटू टी एच मैकेजम होता है और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये तो अगर हम देखें तो ये एस्पार्टिक एसिड है दैट इज एस्पार्टाइल पार्ट और ये यहां से यहां तक ये फिनाइल एल का मिथाइल ईस्टर है अब ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन हो सकता है <coughs> देखिए बच्चों अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं तो यहां पर NH2 पर, एल्फा कार्बन पर सीओ को अंदर दे रखा है एस्पार्टिक एसिड में एल्फा कार्बन पर सीओ अंदर नहीं है, एक्चुअली बाहर है जो क्वेश्चन में देखिए ये देखिए एस्पार्टिक एसिड में सीओ बाहर है तो ये ऑप्शन इस तरह से इनकरेक्ट हो गया बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में यहां से यहां तक ये एस्पार्टिक एसिड था एल्फा कार्बन पे सी बाहर है ये फिनाइल एलानिन का मिठाइलीस्टर है इसमें एल्फा कार्बन पर जो सी टू एच है ये बाहर होना चाहिए लेकिन एक्चुअली इसको पलट दिया इसको पलट दिया बच्चों ये देखिए एक सॉल्यूशन में मैंने आपको बना, बना करके दिखाया हुआ है वास्तव में ये बनता है लेकिन अगर मैं इसको पलटता हूं इसको पलटता हूं तो डेफिनेटली ये वाला जो ग्रुप है वो अंदर चला जाएगा तो ये जब अंदर जाएगा तो यहां पर ये ऐसा कुछ बनेगा बच्चों ये ऐसा कुछ बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं इसको पलटता हूं इस पोर्शन को सिंगल बोन के अराउंड रोटेट करता हूं तो ये वाला पार्ट जो बाहर आ रहा था वो एक्चुअली अंदर चला जाएगा डैश लाइन पर चल जाएगा वेज से डैश लाइन पर चल जाएगा तो एग्जाम में ऑप्शन में या तो यह दिया होना चाहिए था यह नहीं दे रखा तो फिर यह दिया होना चाहिए था देखते हैं बी ऑप्शन अगर हम देखें तो जरा देखिए बच्चों बी ऑप्शन में ये अंदर है अब सी ऑप्शन की बात करते हैं यहां पर अगर हम देखते हैं बच्चों तो यहां पर इन्होंने फिनाइल एलानिन को सब्सिट्यूंट बना दिया और एस्पार्टिक एसिड का ईस्टर बना करके उसको पेरेंट बना दिया जबकि एलान आई मीन एस्पार्टम है उसका आई नेम एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर है तो ये ऑप्शन इस तरह से गलत हो गया अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन में भी सेम यहां पर मिथाइल ईस्टर फिनाइल एलानिन का बनना चाहिए इन्होंने एस्पार्टिक एसिड का मिथाइल ईस्टर बना दिया जो गलत है तो इस तरह से ए ऑप्शन आपको समझ में आया कि ये गलत क्यों है यहां पर इन्होंने जो एस्पार्टिक एसिड था उसके अल्फा कार्बन पर सीओ जो बाहर होना चाहिए गिवन है उसे अंदर कर रखा है इसलिए वो गलत है सी ऑप्शन क्यों गलत है क्योंकि इसका आई नेम ही अलग हो गया हमें चाहिए था एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर जबकि यहां पर अगर हम देखें तो फिनाइल एलानाइल एस्पार्टिक मिथाइल ईस्टर है जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि एस्पार्टेम नहीं है, और इसी तरह से यहां पर भी जो मिथाइल ईस्टर बना रखा है वो यहां पर इन्होंने एस्पार्टिक एसिड का बनाया जबकि फिनाइल एलानिन का होना चाहिए आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक पेपर वन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट वन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेजम एंड द टू कॉम्प्लेक्सेस इन सेट टू आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बच्चों सेट वन में जो दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं दोनों जोमेट्रिकल शो करने चाहिए और सेट टू में जो दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं वो एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स होने चाहिए ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। हमें टाइम सेव करते हुए थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा करके रखना पड़ेगा बच्चों देखिए, अगर हम ए ऑप्शन में देखते हैं NiCo4, हम सब जानते हैं बच्चों कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जबकि पीडीसीएल टू अगर हम पी टू की बात करें बच्चों थर्ड पीरियड एलिमेंट्स थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ही लिगेंड स्ट्रेंथ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लिगेंड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं कि उनकी ज्योमेट्री क्या रहे लेकिन फोर्थ पीरियड या फाइव पीरियड में है, क्योंकि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना इनफ होता है कि उनमें इनफ स्प्लिटिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अपने यूज कर पाते हैं और वो इनर और डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं अब अगर कोऑर्डिनेशन बार फोर की बात करें तो पेलेडियम जो कि फोर्थ फिफ्थ पीरियड का मेंबर uh, है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम शो कर सकता है एनआईसीओ फोर टेट्राहेड्रल होने की वजह से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम शो करने के लिए हमें मालूम है कि जो लिगेंड्स होने चाहिए या जो एंटिटीज होनी चाहिए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होने चाहिए उनके बीच रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होनी जरूरी है अगर हम टेट्राहेड्रल हेडल कॉम्प्लेक्सेज या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बच्चों सारे बॉन्ड्स हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट पर रहते हैं तो उनमें रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती है जबकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई दो लीगेंट 90 डिग्री पर और अगली बार वो 180 डिग्री पर रह सकते हैं तो यहां पर रिलेटिव चेंज हो सकती है तो पीडीसीएल जो ये कॉम्प्लेक्स है विद ट्राइफेल फॉस्फिन ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जीआई शो करेगा और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इस तरह से ये मैंने लिखा सिस आइसोमर अगली बार ये बन जाएंगे ट्रांस आइसोमा सो so बच्चों, ए ऑप्शन ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर दोनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम शो करना चाहिए था बी ऑप्शन में देखते यहां बी ऑप्शन में सेकंड सेट वन में अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखें सीओ एन अमोनिया टू सी एल टू एंड PdCl2 टू PD ट्राइफिनाइल फोस्टीन बिस्ट ट्राइफिनाइल फोस्टीन अगर पीडीसीएल टू पी पी एच थ्री ट्वाइस की बात करते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम शो करता है सिस एंड ट्रांस फॉर्म में रह रहा है ये बच्चों लेकिन अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम शो करेगा और इसका जो ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा अमोनिया के रेस्पेक्ट में एसिस एंड अमोनिया के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस हो गया <coughs> तो सेट बी ऑप्शन में सेट वन में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपाउंड ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकलोमिजम शो कर रहे तो इसकी हाफ कंडीशन तो फुलफिल हो रही है अनदर हाफ कंडीशन देखते हैं सेट टू के अंदर ये बोल रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो गिवन है वो आयोनाइजेशन आइसोम शो करने चाहिए देखिए बच्चों अगर हम देखें तो ये तो कौर, आइसोमर्स बच्चों ये ये तोर्डिनेशन आइसोमर्स आइसोम इनमें हम देख सकते हैं लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं यहां पर कॉम्प्लेक्सेस में कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन आयन है और उसमें लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है इसलिए जो सेकंड सेट बी ऑप्शन में सेट टू है उसके दोनों कंपाउंड आयोनाइेशन आइसोमर्स नहीं है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है अगर हम सी ऑप्शन में देखते हैं सेट वन देखिए बच्चों जो फर्स्ट कंपाउंड है ये फर्स्ट कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म किस तरह से शो करेगा इसको देखें हम यहां पर लिखा है बच्चों सीओ ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एम ए थ्री बी थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो फेशियल और मेरिडियनल दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी है हम देख सकते हैं ये तीन अमोनिया एक ही ट्राइंगल पर आ रहे हैं एक फेस ऑफ द ट्राइंगल पर आ रहे हैं सो so, ये हो गया फेशियल आइसोमर अगर हम इसका अनादर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं दैट इज मेरिडियनर तो वो इस तरह का होगा बच्चों <laughs> अगर हम देखें तो ये तीन एनोटू एक इक्वेटोरियल प्लेन में आ रहे हैं या फिर ये तीन अमोनिया एक ही प्लेन में आ रहे हैं बच्चों इसलिए इसको बोलते हैं मेरिडियनल ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बी सेट में आई मीन बी ऑप्शन में सेट वन में सी सेट वी वर डिस्कसिंग अबाउट सी सेट सी सेट में सेट वन में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो जी शो कर रहा है सेकंड वाला कंपाउंड भी जी शो करेगा बच्चों जी कैसे शो करेगा चला देखिए अगेन ये एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है इथिलीन डाइअमाइन यहां पर दो मॉलिक्यूल हैं इस तरह से वो अटैच रहेंगे कार्बोनिल के साथ में और बचेंगे दो क्लोरीन जो ट्रांसफॉर्म में रहेंगे लेकिन अगर मैं इसका सिस्ट फॉर्म बनाता हूं तो सिस्ट फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा <स्थाँगा> यहां पर दो सीएल देख सकते हैं हम दोनों सीएल 180 डिग्री पर है यहां पर दोनों सीएल 90 डिग्री पर है और इथिलीन डायमाइन इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे देखिए बच्चों तो ये और ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए सी सी सेट 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 में 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 जो फर्स्ट है ऑप्शन दोनों कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं अब अनादर जो कंडीशन है सेट टू में दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के आयोदेशन आइसोमर्स होने चाहिए क्या है, क्या है क्या ये देख लेते हैं अब जरा देखिए बच्चों ये फर्स्ट और ये सेकंड कंपाउंड है इसमें काउंटर आयोन जो एक लिगेन की तरह काम कर सकता है उसका एक्सचेंज है यहां पर काउंटर आयन सल्फेट आयन है जो लिगेन की तरह एक्ट करता है और वो अनादर को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फेर तो सल्फेट अंदर जाएगा सीएल बाहर आएगा तो इसका सॉल्यूशन सल्फेट का टेस्ट देगा और इसका सॉल्यूशन क्लोराइड का टेस्ट देगा सो so ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आयोनाइेशन आईसुमर से तो फिलहाल हमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है अब डी ऑप्शन में देखते हैं हम बच्चों सेट वन में सी आर अमोनिया फाइव सी एल ये ज्योमेट्रिकल एक्सोमिस शो नहीं करेगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए हमारे को किसी भी दो पर्टिकुलर लेगेंस के बीच रिलेटिव डिस्टेंस डिफरेंट होना जरूरी है यहां पर हो नहीं सकता तो ये पहली कंडीशन तो सेट वन की गलत हो गई सेट टू में अगर हम देखें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है और उसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज लिगेंट में चेंज हो रहे हैं सो so, ये आयोनाइेशन आइसोमर्स नहीं है सो so बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ईजी और इसे जेई मेन्स और एडवांस में कई बार पूछा गया है ये रिएक्शन uh, बच्चों सिर्फ लैंग्वेज से ही सॉल्व हो जाती है इसमें uh, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोई uh, ज़्यादा ट्रिक एंड टेक्निक लगाने की जरूरत हमारे को नहीं है रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये क्यूमीन है इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई फॉलोड बाय हाइड्रोलेसिस प्यारे बच्चों ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसको ओटो के साथ स्ट्रांगली हीट किया हालांकि रिएक्शन में हीट मेंशन नहीं है लेकिन अंडर्स टूडे कि बिना रिएक्शन के ये होगी नहीं क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसके मैकेनिज्म में बताया जाता है बच्चों हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से डाई रेडिकल बनता है डायरेडिकल क्यूमीन दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन के मोस्ट वीकेस्ट बॉन्ड का होमोलिसिस करता है दैट इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में इसे कन्वर्ट करता है आपको हमेशा पढ़ाया गया है इसको <clears throat> और क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होने से यहां पर बनेगा फिनॉल एंड एसिटोन इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है फिनॉल एंड बाय प्रोडक्ट पी इज फॉर्मड तो पी ऑब्वियसली एसिटोन है पी की रिएक्शन थ्री इक्वलेंट सी एल टू के साथ में करवाई है प्यारे बच्चों ये एसिटोन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो मीडियम एल्कलाइन होना जरूरी है सोल्यूशन में ओएच आयन होना जरूरी है उसका रीजन ये है बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन है ये रिएक्शन Totomism के थ्रू प्रोसीड होगी बेस केटलाइज टोटोमिज्म के, टो के थ्रू इनोलेट बनेगा एक्टिवेटेड एल्कीन क्लोरीन से इलेक्ट्रोफिलिक करेगा यहां पर वन बाय वन तीन अल्फा हाइड्रोजन विल बी बाय तीन क्लोरीन और ये क्यू प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो क्यू प्रोडक्ट है इसका नाम अल्फा 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 एल्फा ट्राईक्लोरोन या वन 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 ट्राईक्लोरोन है अब बच्चों इन्होंने ये बोल दिया ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड आर एंड कैल्शियम सॉल्ट एस देखिए बच्चों ये कंपाउंड था क्यू जो पीके एक्सेस क्लोरिनेशन से मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस देंगे एस एन टू टी एच मैकेनिज्म होगा और इसका एक सॉल्ट बनेगा बच्चों कैल्शियम एसिटेट एस और साथ में क्लोरोफॉर्म आर ये गैस है अब क्वेश्चन में आप देखिए चार ऑप्शन दिए हमसे ये चाहते हैं कि हम इनके करेक्ट ऑप्शन को टिक करें ए ऑप्शन देखते हैं रिएक्शन ऑफ पी पी क्या था बच्चों एसीटोन आर क्या था क्लोरोफॉर्म अगर हम एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉम <coughs> से करवाते हैं केसिडिक OH हाइड्रोजन लेगा सी सी एल थ्री ट्राइक्लोरोबन बनाएगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और इस तरह से आफ्टर एसिडिफिकेशन एसिडिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है आफ्टर एसिडिफिकेशन यहां पर यह प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों हम इस प्रोडक्ट को क्या नाम दें यह एसीटोन पर क्लोरोफॉम का एडिशन, एडिशन है बच्चों तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोफॉम प्लस एसीटोन क्लोरीटोन ये हिप्नोटिक है नींद लेके आता है बच्चों ये तो रिएक्शन ऑफ ऑफ पी विद आर प्रेजेंस एसिडिफिकेशन दिस कंपाउंड दैट इज क्लोरीटोन तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है बच्चों रिएक्शन ऑफ आर दैट इज क्लोरोफॉम विद ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गि फॉस्जीन गैस देखिए बच्चों जब भी हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ओटू के साथ लेके आते हैं या क्लोरोफॉर्म ओटू के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो अगेन ये एक फ्रिडिकल रिएक्शन होती है जिसका मैकेनिज्म मैं अभी नहीं लिख पाऊंगा बनता है सीओ सी एल टू गैस और दो मोल HCl यहां पर दो मोल क्लोरोफॉर्म दो मोल सीओ सी एल टू गैस ये लीथल होती है बच्चों ये पॉइजनस गैस होती है ये मार देती है जान ले लेती है ये पॉइनस गैसे बच्चों ये लीथल है तो क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट करने के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट इस एच से ए का पीपीटी दे देता है अगर पीपीटी आता है दैट मीनस सोल्यूशन में एच है अगर सोल्यूशन में एच है तो फिर फोजीन भी है क्योंकि क्लोरोफॉर्म की ये रिएक्शन जरूर हुई होगी तो ये उस वक्त यूज किया जाता है तो अगर हम देखें बच्चों तो यहां पर बी ऑप्शन जो इन्होंने बता रखा है रिएक्शन ऑफ आर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गैस ये बिल्कुल सही बात है बी ऑप्शन सही है सी क्यू अभी हमने देखा था जो क्यू है क्यू रिएक्ट्स विद एक्वस टू प्रोड्यूस दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड बच्चों क्यू हमने अभी बनाया था ये है क्यू दिख रहा होगा आपको अगर मैं इसकी रिएक्शन से कराता हूं तो क्या यह ये ये प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब सी सी एल थ्री सी एच ओ होता लेकिन बच्चों क्लोरेल ओ एच माइनस से रिएक्ट करके भी ये नहीं बनाता है सी सी एल थ्री का सी सी एल थ्री माइनस की लिविंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है सो so, ये इससे भी रिएक्शन करके क्लोरोफॉम ही बनाएगा नीजारो रिएक्शन नहीं करेगा देख सकते हम इससे भी क्लोरोफॉर्म और फॉर्मेट आयन बनेगा बच्चों फॉर्मेट आयन बनेगा इससे भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली ये कंपाउंड तो कभी भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा सो so, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है <coughs> अगर हम डी देखते हैं एस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था बच्चों कैल्शियम सॉल्ट था कैल्शियम एसिटेट यही था एस एस ऑन हीटिंग गिव्स पी देखिए बच्चों ये कैल्शियम एसिटेट है कैल्शियम एसिटेट को अगर हम हीट करते हैं स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इस तरह से हालांकि मैकेनिज्म कुछ और होता है मैं अभी आपको यह बता रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और साथ में बनेगा एसिडो लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में जो डी ऑप्शन में है उसमें दिया हुआ है एस ऑन हीटिंग गिव्स पी तो हमारे को एसीटोन दैट इज पी पी एसीटोन ही था ये मिल रहा था और ये भी वही बोल रहे हैं कि कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर पी मिलता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों सो so, हमारे पास राइट right ऑप्शन हुए ए बी और डी ओके <coughs> okay बच्चों लेट्स टेक क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक देखिए बच्चों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आई टीजे एडवांस से ही पूछा गया है एक बार आईटी में आ चुका है एडवांस में कंप्लीट रिएक्शन ऑफ और इस क्वेश्चन की और ऐसे टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई गई थी कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिड एलडीहाइट विद एक्सेस ऑफ फॉर्मेलहाइट देखिए बच्चों जब भी एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग एल्लाइन मीडियम में स्पेशली ओ एच माइनस के साथ एनएच के साथ क्यूएच के साथ लेते हैं तो एल्डोल रिएक्शन होती है एल्डोल रिएक्शन में होगा क्या बचों ओएच माइनस एसिड एल्डियाट का हाइड्रोजन लेगा इसका इनोलेट बनेगा और इसका इनोलेट इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड <clears throat> पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा देखिए इस तरह से न्यूक्लिफलिक एडिशन कर रहा है तो यहां पर बन गया है ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसीलिए तो इसे एल्डोल बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और ओ एच हाइड्रोक्सी भी है ऑल भी है अब क्योंकि यहां पे फॉर्मेलहाइड एक्सेस में है तो जरा देखिए ओ एच माइनस एल्फाइड ले रहा है टोटोमिजम करवा रहा है Again, OH आएगा फिर इसमें टोटोमिजम होगा इनोलेट बनेगा वो इनोलेट सेकंड मोल ऑफ फ़ॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा जरा देखिए सेकंड मोल ऑफ फ़ॉर्मेल्डिहाइड। अब बच्चों यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रेज होता है इन जनरल हम लोग एल्डोल जब करवाते थे तो हम कंडेंसेशन करवाते हैं इवन सी बी मैकेनिज्म के थ्रू ओ एच इसका एच लिया बिल्कुल सही बात है इसका एनायन बना और वो एनायन इनोलेट बना करके ओएच OH को बाहर निकालता है तो हमने यहाँ पे ओ OH एच को बाहर क्यों नहीं निकाला बचो इस एनायन के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है एक एलिमिनेशन करे डिहाइड्रेशन करे और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनर्जेटिकली मोर फेवरेबल है देन एलिमिनेशन रिएक्शन सो यहां पर इट फाइंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिक्वेंशली यहां पर रिकरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता जा रहा है क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है यहां पर अगेन देख सकते हैं बच्चों फिर ओएच OH माइनस आएगा अगेन यहां पर एक सिंगल एल्फा हाइड्रोजन जो टोटोमराइज हो सकता है अगेन ये इनोलेट बनेगा इनोलेट फिर अनादर मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यानी थर्ड मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज वेरी सेंसिटिव फॉर स्टेरिक क्राउडिंग स्टेरिक क्राउडिंग के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत सेंसिटिव है अगर हम यहां पर फॉर्मेलडीहाइड की जगह पे कोई क्राउडेड एलडीहाइड लेते या कोई क्राउडेड कार्बोनिल कंपाउंड लेते तो वहां ये रिकरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पाता फॉर्मेलडीहाइड अनहिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड है इसीलिए रिकरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता जा रहा है लगातार अल्फा हाइड्रोजन हट रहे हैं इनोलेट बन करके फॉर्मेल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता जा रहा है तो आफ्टर थर्ड रिएक्शन हमें यहां पर एनायन बना इनोलेट बना थर्ड मोल पर फॉर्मेल पे अटैक हुआ न्यूक्लिफिलिक एडिशन तो कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का देखिए बच्चों प्रोडक्ट मिल जाएगा ये सीएचटू एच ये सीएच टू एच सी एच टू एच अभी भी फॉर्मेल एक्सेस में है सोल्यूशन में ओ एच माइनस है एल्फा हाइड्रोजन नहीं है टोटोमिजम नहीं होगा इनोलेट नहीं बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ब्लॉक हो गया सारे एल्फा हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए तो अब क्या होगा अगेन ओ एच माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिल एडिशन ये भी न्यूक्लियोफिल एडिशन है बिल्कुल सही बात है और इसमें से एच माइनस निकलेगा बच्चों सर ओ एच माइनस ने यहां क्यों अटैक किया यहाँ क्यों नहीं अटैक किया यहाँ पे भी अटैक कर सकता था देखिए बच्चों अभी मैंने बोला था आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव फॉर स्टीरिक क्राउडिंग ओ एच माइनस फाइंड लेस क्राउडिंग ओवर द फॉर्मेलि हाइट देन दिस So, OH ने यहां अटेक किया डाइ एन बनता है बच्चों और फिर उसमें से एच माइनस निकलता है हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शन के में इसे में इसे डिटेल पढ़ा था। यहां से जो H गया तो इसने इस को रिड्यूस कर दिया और ये एल्कोहल बन जाएगा देखिए बच्चों <coughs> तो एच माइनस के एडिशन से ऑन एल ये एल्कोहल बना ट्राई हाइड्रोक्सिक कंपाउंड इस कॉल्ड पेंटा टॉल बच्चों ये एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है बॉम्ब बनाने के काम आता है ये प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है बनाने के काम आता है मोर डेंजरस देन टीएनटी और रेडोक्स uh, यहां पर इससे बनेगा बच्चों फॉर्मेटाइन <laughs> तो ये मैकेनिज्म था एसिटेल की एक्सेस फॉर्मेडीहाइट के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करने का अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं Reaction of acetaldehyde with excess formaldehyde, heating with NaOH solution gives P and Q. P हमारे को समझ में आया क्या है? P और Q में एक sodium formate है और एक pentaritrolle. Compound P does not give Tollens test. देखिए बच्चों, Tollens test aldehyde देते हैं, formic acid देता है, alpha hydroxy ketones देते हैं, hemiacetals देते हैं, phenyl hydroxy lamine देते हैं, sulfides देते हैं. P नहीं दे रहा दैट मीन पी है क्यू ऑन एसिडिफिकेशन गेट्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट जो Q होगा हमने सोडियम फॉर्मेट बनाया था इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट देता है सिल्वर मिरर देगा सिल्वर डाइमाइन केटाइन के साथ में सिल्वर मिरर देगा तो बच्चों Q पता चल गया कि सोडियम फॉर्मेट है P पता चल गया पेंटाइरिथ्रीटोल है ट्रीटमेंट ऑफ पी with excess cyclohexanone in presence of catalytic amount of para toluene sulfonic acid p प्यारे बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो p कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम लोगों ने साइक्लोहेक्सानोन से करवाई है हमने अभी देखा था जो p कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का था पेंटा इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सिनोन से करवाई बच्चों दिस इज साइक्लोहेक्सिनोन एंड मीडियम पी टी एस बच्चों पैराटोलोइन सल्फोनिक एसिड ये आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान और अपसेट करने के लिए दिया गया था ये कोई खतरनाक रिएजेंट नहीं है ये सिर्फ सोर्स ऑफ एच प्लस है ये सिर्फ एच प्लस देगा और इस रिएक्शन के लिए H+ की जरूरत क्यों है देखिए बच्चों ये दिस रिएक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के लिए कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम इस मीडियम इस रिएक्शन में एसिड डाल दें तो H+ कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटोनेशन करेगा प्रोटोनेशन करने से इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा बच्चों डेल्टा पॉजिटिव बढ़ने से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो अब एक न्यूट्रल वीक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल माना जाता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी इस मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा एंड पहले हेमिसिटल बनाएगा और फिर एसिटल बनाएगा बच्चों तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो पहले हेमिसिटल बनेगा एंड फाइनली यहां पर ऐसा एसिटल बन जाएगा और जो रिएक्शन हम लोगों ने यहां पर कराइए ये वाली रिएक्शन कराइए क्योंकि यहां पर साइक्लो एक्सेस में दे रखा है तो अगेन वही रिएक्शन यहां पर भी होगी पीटीएसए का क्या फंक्शन है एच प्लस देने का पीटीएसए पैरा टोलोवीन सल्फोनिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमेशा एच प्लस देगा प्रोटोनेशन करेगा कार्बोनिल पर न्यूक्लिफर एडिशन को कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट को बढ़ाता है प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन तो यहां पर वही होगा और इस तरह से एक हाइड्रोक्सी अटैक करेगा हेमीसेटल बनाएगा फिर दूसरा हाइड्रोक्सी अटैक करेगा इवेंचुअली यहां पर दो मोल साइक्लोहैक्सिन पेंटाइरिथ्रीटॉल के साथ में इस तरह से दो एसिटल लिंकेज वाला कंपाउंड बनाएंगे बच्चों ये एसिटल लिंकेज है अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन में इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप ये है बच्चों मिथाइलिन ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम इन आर देखिए चार ऑक्सीजन है मिथाइलीन देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन मिथाइलीन फोर ऑक्सीजन सम आ गया एटीन तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एटीन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके बच्चों लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी सीओ सिक्स हेग्जा कार्बनल पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम ट्राई कार्बोनिल कॉपर पेंटा कार्बोनिल मैंगनीस आयरन दिस आइनिक कॉम्प्लेक्स दीज आर गिवन एंड क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एन आई सीओ फोर इज ठीक बेचो ये क्वेश्चन जान बुझ करके आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए दिया गया है सो so दैट आप इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस uh, में उलझ जाएं और अपना बहुत सारा टाइम निकाल दें हम इस हम एक टेक्निक से हमारा टाइम सेव कर सकते हैं स्मार्टली और ये हमारे मैं आपको पिछले कई सालों से बोलता आ रहा हूँ कि जेई मेंस और एडवांस हमेशा ये ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह से बच्चों के रियल टैलेंट को बाहर लेकर के आएं उनके डिफ़िकल्ट कंडीशन में वो कितने काम कूल रहते हैं कितना उनका बैलेंस है अपने ब्रेन पर वो हड़बड़ाते कितने आसानी से नहीं है कितनी मुश्किल से आई I मीन mean, uh, कितना मुश्किल है उनको आउट ऑफ ट्रैक लेकर के आना ये वो सब सारी चीज़ें चेक करते हैं तो अगेन यहाँ पर भी कैलकुलेशन में आपको परेशान कर, किया उन्होंने करने की कोशिश की आई एम श्योर कि आप परेशान नहीं हुए होंगे देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये थी हमें सिर्फ एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आप जानते हैं जितना एटोमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए हम निकल में देखते हैं 28 एट इलेक्ट्रॉन से कार्बोनिल में एक सी में एक सी में 14 इलेक्ट्रॉन से चार में 56 सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट हो गया बच्चों एटी फोर इलेक्ट्रॉनस इनमें से किन किन में है अब सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बजाय हम देख सकते हैं कार्बोनिल यहाँ पर छ्बोनल है तो फोर्टीन सिक्स जा एटी तो यही हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है 14 फाइव जा सेवेंटी सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फोर यह तो एक्सीड कर जाएगा टू प्लस ट्वेंटी यहां अगर देखें तो कार्बोनिल तीन कार्बोनिल है एक में इलेक्ट्रॉन एक कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन फोर्टीन है ये फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस ट्वेंटी एट अगेन यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं यहां अगर अपन देखें तो यहां पर फिफ्टी सिक्स सीओ चार सीओ में फिफ्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन से क्रोमियम ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर फिफ्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर एटी एंड फोर एटी फोर तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है जो NiCO4 के साथ में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो रहा है बाकी सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे विद प्रीशियस टाइम ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग देखिए बच्चों लैंग्वेज हम देख सकते हैं क्वेश्चन की एक एनाइन ईस्टर आई मीन एल्काइन ईस्टर है इसकी रिएक्शन तीन रिएजेंट से करवाई है और पी प्रोडक्ट मिल रहा है फर्स्ट रिएजेंट अगर हम देखें मर्क्यूरिकाइन विद एच प्लस ये कायन विद एच थ्री ओ प्लस जब भी आ जाए एल्काइन का हाइड्रेशन करवाना है बच्चों ये एल्काइन है इसका हाइड्रेशन हो जाएगा तो जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें एल्काइन के हाइड्रेशन से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जिंक मर्क एच सी एल क्लिवेंशन रिडक्शन जो हम लोगों ने कार्बोनिल बनाया है इसका रिडक्शन होगा COCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा सो so, ये बन जाएगा बच्चों ये प्रोडक्ट इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया हाइड्रोलिसिस एंड हीट ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये एक हायर फैटी एसिड बन जाएगा बच्चों हायर फैटी एसिड मीनिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मास बहुत ज्यादा है ये पी कंपाउंड मिल गया ग्लिसरॉल <coughs> रियक्स कंप्लीटली विद एक्सेस पी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म क्यू देखिए बच्चों अगर हम देखें ग्लिस्ट्रॉल में तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं बच्चों लैंग्वेज में दिया है ग्लिस्ट्रॉल कंप्लीटली रिएक्स विद पी तो वो तभी होगा यहां पर जब हम इस हायर फैटी एसिड के तीन मोल लेंगे बच्चों तभी ग्लिसरॉल कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो हमने इसके तीन मोल ले लिए क्योंकि ये स्टीरिफिकेशन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से मिलकर स्टर बनाता है स्टीरिफिकेशन रिएक्शन है फिशर स्टीरिफिकेशन है ये तो इसमें H प्लस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये H प्लस क्या करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप पर जाएगा बच्चों और वहां पर इस तरह से प्रोटोनेशन करके यहां पर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाएगा जिसकी वजह से ग्लिसरॉल तीन बार यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो तीन बार यहां स्टेडिफिकेशन होगा तीन वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बाहर निकल जाएंगे बच्चों एंड फाइनली हमें एक ट्राईस्टर मिलेगा इस ट्राईस्टर का नाम है ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल का ईस्टर ट्राइग्लिसराइड ये देखिए बच्चों बच्चों ट्राइग्लिसराइड इज नथिंग बट फैट ये फैट ही है ट्राइग्लिसराइड और जो क्वेश्चन में हमारे को दिया था जैसा कि हम देख सकते हैं क्यों बना तो जो हमने ट्राइग्लिसराइड बनाया वो क्यों था अब क्यों की रिएक्शन हम एक्सेस एनएच से करा रहे हैं और फिर सी एस एल टू के साथ में उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो कैल्शियम सॉल्ट सॉप कैल्शियम सॉप आर बन रहा है देखिए बच्चों हमने बेसिकली क्या करवा क्या करवाया है इसमें जरा देखो आप इस ट्राइग्लिसराइड का एक्सेस एनओ के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों अगेन ये 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 फैट है ये कास्टिक सोडा है हीट किया सेपोलिफिकेशन होगा हाइड्रोलिसिस होगा ओ OH एच माइनस एलक्लाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको एलक्लाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्राइड एल्कोलाइन हाइड्रोलिस ऑफ ईस्टर इस तरह से होगा और अगेन हमें मिल जाएगा ग्लिस्ट्रॉल और साथ में हमारे को मिलेगा थ्री मोल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस हायर फैटी एसिड यह मिल गया बच्चो और वन मोल ग्लिस्ट्रॉल आप इसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से करवाई देखिए लैंग्वेज में फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ सी टू क्या हुआ था कैल्शियम क्लोराइड इससे रिएक्ट कर रहा है देखिए बच्चों तीन मोल सोडियम सॉल्ट लिया है हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड के साथ में कैल्शियम डाइवेलेंट होता है तो डेफिनेटली हाफ मोल आई मीन थ्री बाई टू मोल्स ऑफ दिस सॉल्ट will be formed. थ्री बाई टू मोल से बच्चों ये जो सॉल्ट बना है कैल्शियम सोप कैल्शियम सॉल्ट और हायर फैटी एसिड थ्री बाई टू मोल से अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार्टिंग विद वन मोल ऑफ क्यू जो क्यू लिया था वो वन मोल था द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रामेस देखिए बच्चों क्यों कंपाउंड था जिसका एक मोल लिया था इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक मोल ग्लिसरॉल मिला था और थ्री मोल्स ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स मिले थे तीन मोल से 1.5 मोल कैल्शियम सॉल्ट मिले और हमें इसका मोलर मास, इसका मोलर वेट इसका मोलर वेट हमारे से पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन में देखिए द अमाउंट ऑफ आर ओके वेट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम वेट ऑफ आर जरा देखिए इसका वेट निकालना है तो वेट ऑफ आर इज इक्व टू मोलर मास इनटू मोल्स थ्री बाई टू बच्चो इसका अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो इसका मोलर मास समेर अराउंड सिक्स जीरो सिक्स आता है तो वेट आर विल बी इक्वल टू सिक्स जीरो सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव तो यह वैल्यू आ जाएगी बच्चों नाइन जीरो नाइन ग्राम जो हमारा आंसर है बच्चो ओके लेस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चो अमंग द फॉलोविंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डाया मैग्नेटिक स्पीशीज इज देखिए बच्चों डाया मैग्नेटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिसमें किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड होने चाहिए अगर एक या एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहे स्पीशीज के किसी भी एटम में या किसी भी ग्रुप में तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हो जाएगी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो हैं नहीं हैं तो फिर हम उस स्पीशीज को बोलेंगे डायमैग्नेटिक बच्चों अगेन यहाँ पर बच्चों का प्रीशियस टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वेस्ट करने की कोशिश की गई थी एक सोची समझी साजिश है एक ट्रिक है जिसकी वजह से बच्चों का टाइम एक बहुत सिंपल से क्वेश्चंस में वो लोग ड्रेन करने की कोशिश करते हैं अगर कुछ बच्चे स्मार्ट हैं उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है तो वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बच्चों जिससे कि इस क्वेश्चन को हम बहुत कम टाइम में परफेक्टली एक्यूरेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं देखिए बच्चों हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सेंट्रल मेटल आयोन में या लिगिन में है तो वही तो पता करना है अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो हमारा आंसर नहीं है अगर वो डायमैग्नेटिक है तो वो हमारा आंसर है अगर हम यहाँ पर देखते हैं देखिए बच्चों आपने दो या तीन साल प्रिपरेशन किए जे मेन्स और एडवांस की काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं थ्री सीरीज के डाई केटाइंस ड्राई केटाइंस इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझा है तो हमारे को ये पता रहता है और हमें ये पता होना चाहिए एम एन प्लस थ्री मैंगनीस प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आता है डी फोर यहाँ पर लीगेन अमोनिया है इट कैन कॉज पेरिंग तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ई से टी में जाएगा उसके बाद भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा टी बनेगा टी टू जी टू वन वन तब ये दो अन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है ये पैरामैग्नेटिक है यहां पर डी फोर अगेन एम एन प्लस थ्री था यहां वीक लिगेंड है पेयरिंग नहीं होगी तो यहां पर चार अन पे इलेक्ट्रॉन होंगे और यह पैरामैग्नेटिक होगा हमारा ऑप्शन नहीं होगा आयरन प्लस थ्री अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन डी सिक्स एस टू होता है तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहां बचा डी फाइव फ्लोरीन एक वीक है पेरिंग नहीं कराता पांच अनपे इलेक्ट्रॉन रहेंगे पैरामेग्नेटिक रहेगा हमारा आंसर नहीं है कोबाल्ट 3d7 4s2 है तीन इलेक्ट्रॉन निकालती है d6 बचा <coughs> यहां पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन एक्चुअली बच्चों देखो कोबाल्ट प्लस थ्री मोस्ट ऑफ द लिगेंड के साथ में इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है ई जी से इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जाते हैं और पेयर करते हैं उसका रीजन हाई सी एफ एस सी का है सिर्फ को, कोबाल्ट प्लस थ्री के दो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें पेयरिंग नहीं होती है एक है फ्लोरीन के साथ सारे फ्लोरिन हो और एक है फ्लोरिन एंड वाटर के साथ एच टू थ्री एफ थ्री टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो इनमें पेयरिंग नहीं होती तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डी सिक्स है पेयरिंग नहीं हो रही है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा बच्चों टी टू जी टू वन वन Eg11. वन वन so, सो यहां पर चार पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी पैरा मेग् हमारा ऑप्शन नहीं है <coughs> ये हमारा ऑप्शन नहीं था ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है अगर हम आयरन प्लस थ्री की बात करें तो हम ऑलरेडी आयरन प्लस थ्री को देख चुके हैं यहां पर अमोनिया पेयरिंग करवाएगा डिस्पाइट ऑफ द पेयरिंग यहां पर एक अनपे इलेक्ट्रॉन फिर भी बचा रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टी टू जी टू टू वन रहेगा एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसमें बचा हुआ है सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों e कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रखा हुआ है सारे ई जी के इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जाएंगे और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे टी टू जी टू 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 एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगा एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा इसके अंदर सो so, ये डायमैग्नेटिक है और हमारा ऑप्शन है बचो ये तो इन गिवन कॉम्प्लेक्सेस में गिवन स्पीशीज में केवल एक ही स्पीशीज है जो डायमैग्नेटिक है बाकी सारी पैरामैग्नेटिक लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल मैच द दिन कंपाउंड गिवन इन लिस्ट वन विद करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जिन एन गिवन इन लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ओके बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है इट कम्स फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जरा देखिए बच्चों एक्सी एफ टू अगर हम एक्सी एफ टू देखते हैं तो एक्सी एफ टू में पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से दो बॉन्ड पेयर हैं तीन लोन पेयर हैं और तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजिशन पर रहेंगे तो अगर हम देखें तो इसकी शेप लीनियर है लेकिन इसकी जोमेट्री ट्राइगोनल बायपेरामिडल है विद लोन पेयर तो अगर हम पी को मैच करना चाहेंगे तो इसकी जो पेचिंग होगी वो हमारी फाइव के साथ होगी ट्राइगोनल बायपेरामिडल एंड थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करते हैं एक्सीएफ फोर की बच्चो एक्सीएफ फोर अगर हम देखें तो एक्सी एफ फोर में जिनन पे दो लोन पेयर होंगे अवॉइड लोन लोनपेयर रिपल्शन दोनों पेयर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे इस तरह से तो चारों फ्लोरिन अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है विद टू पेयर सो एक्सीएफ फोर विल बी मैच ऑक्टाहेड्रल एंड टू लोन पेयर फ्लेक्ट्रॉन थर्ड ऑप्शन एक्सीओ थ्री जिनन बच्चों जिनन में अगर हम देखें तो तीन ऑक्सीजन होगी जो डबल बॉन्ड के साथ में इस तरह रहेगी एक लोन पेयर बचेगा जो ऐसा रहेगा हम देख सकते हैं पर इसकी जो आएगी आएगी वो पिरामिडल। इसकी टेट्राइडल है विद वन लोन तो यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है एक्सीओ थ्री का वो टू के साथ में मैच कर रहा है टेट्रोहेडल एंड वन लोन पेयर इलेक्ट्रोन यस एक्सीओ थ्री एफ टू अगर हम देखें एक्सी थ्री एफ टू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा बच्चों तीन ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड bond से बॉन्डेड होगी दो फ्लोरीन है सिंगली बॉन्डेड रहेगी और वो इस तरह से रहेंगी तीनों ऑक्सीजन इक्वेटोरियल प्लेन में है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा लेस पाई पाई रिपल्शन रहेगा इसलिए तीनों ऑक्सीजन एक प्लेन में इक्वेटोरियल प्लेन में आ रही है यहां पर जिनन पर देख सकते हैं बच्चों कोई लोन पेयर नहीं है और एक्सी थ्री एफ टू का अगर हम शेप और ज्योमेट्री दोनों देखें तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है तो एक्सी ओ थ्रू एफ टू एक्सी ओ थ्री एफ टू जो जाएगा वो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल विद नो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्जिन फोर्थ ऑप्शन सो so, इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि पी क्यू आर एस पी मैच किया क्यू मैच किया आर मैच किया एस मैच किया So, ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों P5 के साथ में Q3 के साथ में R2 के साथ में और S4 के साथ में सो so, फर्स्ट किसी के साथ मैच नहीं कर रहे ओके बच्चों लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच टाइप का क्वेश्चन है बच्चों लिस्ट वन में कंपाउंड और उसके रिएक्टेंट और उसके रिएजेंट लिखे लिस्ट में उनके फाइनल प्रोडक्ट लिखे हुए हैं अप्रोप्रिएट मैचिंग आपको करनी है यहां पर तो लेट्स स्टार्ट पी कंपाउंड है जो पी कंपाउंड का ओजोलिसिस किया तो यहां पर डबल बोन ब्रेक होगा और इससे डाई एल्डिहाइड मिल जाएगा इस तरह से और अब इस डाईल्टीहाइट को माइनस OH के साथ में रिएक्ट कराया तो बच्चों केनिजारो या आई मीन एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन होगा देखिए में हमारे को क्या करना है क्योंकि देखिए बच्चों जान बुझ करके हर, आ, के साथ में पांच या छह छियाक्शन इन्होंने करवाई है सो तो देट आपका मैक्सिमम टाइम ये वेस्ट कर सके तो आपको ये इस बात को समझना चाहिए था और जो आप 2025 में एडवांस देने वाले हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि यहां पर मैकेनिजम्स को उतना यूज नहीं करना है हमें डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट बनाना है और रिकरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हुए रिकरिंग रिएक्शन करनी है फर्दर रिएक्शन करवाते हुए जाना है तो देखिए बच्चों अगर हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो इसके दो हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और इससे यह प्रोडक्ट मिलेगा इसकी रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकोल से कराई इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में देख सकते हैं हम पी ऐसे लिखा हुआ है अभी हमने डिस्कस किया था पी टी ऐसे पैराटोलोइन सल्फोनिक एसिड है जो सोर्स ऑफ एच प्लस है यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन को एनहैंस करने के लिए एच प्लस कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है तो बच्चों इस तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी कार्बोनिल की इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में पहले हेमिसटल बनेगा और फिर एसेटल बनेगा तो इवेंचुअली जो प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा ये बन गया हेमीसीट और अब इसकी रिएक्शन देख सकते हैं बी एच थ्री हाइड्राइड से एच टू टू विध माइनस से कराइए तो हम जानते हैं बच्चों के रिएजेंट होता है ये रिएजेंट वॉटर एड करता है एलकीन पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्रूल तो हमें यहां पर इस रिएजेंट को यूज करते हुए जस्ट वॉटर एड करना है देखिए बच्चों तो यहां पर वाटर एड किया तो जो प्रोडक्ट मिला वो हमारे को मिलेगा यहां पर एच आएगा हम देखें अगर तो पर एच आएगा यहां पर ओ एच आएगा, आएगा। सिन एडिशन हो जाएगा बच्चों हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वाटर आई मीन बी एच थ्री एच टू टू एच माइनस से रिएक्शन करवानी ही थी तो इस

हमारे को वापस हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा इस तरह से <coughs> मैं यहां पर लिख देता हूं यहां ओइच आ जाएगा और अब इसकी रिएक्शन एनएबीएच फोर से करवाइए <coughs> ये कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है अब हमारे को ये देखना है कि ये प्रोडक्ट वन टू थ्री फोर के साथ किसके साथ मैच कर रहा है तो देख सकते हैं बच्चों ये प्रोडक्ट थ्री जैसा ही है थ्री ही है एक्चुअली तो इसका जो आंसर आएगा पी का वो थ्री के साथ मैच कर अब देखते हैं बच्चों क्यू के बारे में अगेन यहां पर भी एल्कीन है ओडोलिसिस करवाया हम इसे इरेज कर देते सो हमारे पास जगह आ देखिए क्यू का ओजोलिस किया डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कीटोन विद एल्डिहाइड मिलेगा इसकी रिएक्शन अगेन एल्डोल कंडेंसेशन करवाई ओ OH माइनस के साथ में देखिए बच्चों यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ में कंडेंस होंगे एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा बार बार आपको दोनों मेथड्स बताए गए थे हमने आपको ये मेथड भी बताया था कि किसी भी नेम रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट सेकंड्स में कैसे बनाए और मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैकेनिज्म के थ्रू हम उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें हमने ये दोनों चीज़ें आपको बताई थी यहाँ पे मैकेनिज्म से इनको कुछ लेना देना नहीं है कई सारे रियजन दे रखे हैं आपको फटाफट इन रिएजेंट्स को रिएक्टेंट पे लगाना है और आपका प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है देखते हैं ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ बच्चों अब इसके बाद में इसने इथिलीन ग्लाइकोल अगेन पी टी के साथ में लिया तो इथिलीन ग्लाइकोल जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये कार्बोनिल के साथ में एसिटल बना देगा तो एसीटल बना दिया एक्चुअली यहां पर इन्होंने कीटोन का प्रोटेक्शन कर दिया और फिर जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था बी एस थ्री एच टू टू एच माइनस ये क्या करेंगे वाटर एड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एंटी मार्को ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों इसको हाइड्रोलिस किया तो एसिटल हाइड्रोलाइज होकर के वापस कीटोन दे देगा जो हमारे को चाहिए था यहां पर ओ OH आ जाएगा नेक्स्ट इन्होंने जहाँ पर एन डाला एन जो कीटोन है इसका रिडक्शन करेगा एल्कोहल के अंदर तो जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो इस तरह का कुछ मिलेगा हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है फर्स्ट नहीं है सेकंड नहीं है थर्ड नहीं है अगर हम देखें फोर्थ तो जरा देखिए ये फिफ्थ कंपाउंड यही तो है जो हमने बनाया था ये फिफ्थ कंपाउंड है इसका मतलब जो क्यू है वो फाइव के साथ पी थ्री के साथ मैच कर रहा है क्यू फाइव के साथ मैच कर रहा है अगर हम आर देखते हैं हमें अगेन इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे रिएजेंट्स हैं देखिए बच्चों आर इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में इसका प्रोटेक्शन कर देगा मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवा देता हूं इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाने का रीजन मैंने आपको बताया था कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर रहा है इसका मतलब एल्किन पर कोई रिएक्शन करवाना चाहेगा ये वाटर डाला देखिए बच्चो मर्क्यूरिक साथ में वाटर है और एन ए बी एच फोर रिय जाता है एल्क्राइन मीडियम में बाद में तो इनका काम है कि ये विदाउट विदाउटमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एल्किन का हाइड्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा <coughs> यहां ओ एच आएगा यहां पर एच आ जाएगा अगर हम आगे वाले स्टेप में देखते हैं तो इन्होंने हाइड्रोलिसिस किया फॉलोड बाय एन फोर तो हाइड्रोलिसिस से एसिटल वापस हमें कार्बोनिल कीटोन दे देगा जो हमारे को चाहिए था और अब NABH4 फोर इन्होंने डाला एन कीटोन का रिडक्शन कर देगा तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट ये वाला हम देख सकते हैं यह प्रोडक्ट हमारे को कहाँ मिल रहा है वन नहीं है टू नहीं है थ्री नहीं है अगर हम फोर में देखते हैं जरा देखिए फोर ये फोर वही है जो हमने बनाया था देखिए बच्चों तो आर विल मैच विथ फोर अब देखते हैं जो लास्ट है एस अगेन यहां पर एथलीन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट करा एसीटल बनेगा बी एच थ्री टी एच एफ से वॉटर एड होगा अकॉर्डिंग टू तो एंटी जो सेकंड एजेंट यूज किया तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा और अब हाइड्रोलिस कर दिया इसका तो हमें वापस कीटोन मिल जाएगा और अब डाल दिया तो कीटोन रिड्यूस होगा एल्कोहल के अंदर और ये कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो कहां है जरा देखिए बच्चों दो एच के बीच में सी एस थ्री कहां पर है ये रहा फर्स्ट, तो एस के साथ फर्स्ट मैच करेगा जो एस था इसके साथ फर्स्ट मैच करेगा इस तरह से P के साथ थ्री Q के साथ फाइव R के साथ फोर S के साथ वन सो so, हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा <coughs> एक अरे रुको यार यार तो अंदो यार ऐसे मत करो, थेरो. अरे रुको ओके प्यारे बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज द मैचिंग टाइप क्वेश्चन इसमें लिस्ट <coughs> वन में रिएक्टेंस और उसके रिएजेंट्स दे रखे हैं बच्चों और लिस्ट टू में प्रोडक्ट दे रखे लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमें मैच करना है अगेन बच्चों आपने देखा होगा कि यहां पर हर एक रिएक्शन में तीन तीन चार चार पांच पांच रिएजेंट्स दे रखे हैं जो अगेन आपके टाइम को वेस्ट करते हैं तो हमें इस ट्रिक से अवेयर रहना चाहिए था और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है ये हमें ऑलरेडी पहले से मालूम होना चाहिए किसी भी जो क्वेश्चन है इनको पेपर पे करने की जरूरत नहीं है बच्चों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे रिएजेंट है आप वहीं पर उसका प्रोडक्ट बनाइए और आगे बढ़ जाइए इससे हमारा टाइम सेव होगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आप जितना ज्यादा पेपर वर्क इसमें करेंगे आप उतनी ज्यादा अपसेट और उतनी ज्यादा ट्रैप में उलझते जाएंगे देखिए बच्चों मैं आपको आ, करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते ये बेंजिन सल्फोनिक एसिड है मोल्टन एनओ देखिए बच्चों, फ्यूज एन के साथ जब भी बेंजिन सल्फोनिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करते हैं ओ OH एच माइनस इप्सो कार्बन पे अटैक करके एसओ टू एच को बाहर निकालता है तो यहां पर जो फर्स्ट रिएजेंट है इस फर्स्ट रिएजेंट के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉल बनेगा अब सेकंड रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री देख सकते हैं बच्चों फिनॉल का नाइट्रेशन हमेशा क्योंकि फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंस होती है तो फिनॉल का नाइट्रेशन हमेशा एक्सेसिव होता है तो कौन एच एनो थ्री से रिएक्ट करने से इसकी दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर एनओ टू लग जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा वेल नोन प्रोडक्ट पिक्रिक एसिड जो कि एक्सप्लोजिव होता है तो हम देख सकते हैं कि पिक्रिक एसिड इन्होंने जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उन पांच ऑप्शंस में पिक्रिक एसिड केवल और केवल थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है सो पी थ्री के साथ मैच करेगा क्वेश्चन नंबर आई मीन इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं क्यू में इसमें लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एच ओ थ्री एन एच टू एस ओ फोर बच्चों ये नाइट्रेशन करता है नाइट्रो बेंजीन है डीएक्टिवेटेड बेंजीन है इसका नाइट्रेशन इन्होंने यहां पर करवाया है इसके नाइट्रेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा मैं यहां पर लिखता हूं ये मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मैं तीन बार इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि यहां पर हीट नहीं दी है साथ में जो लिस्ट वन के प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट टू में दिए हुए तो जो पॉसिबिलिटी यहां पर होगी हम उसको मैच कराएंगे तो मैंने अभी एक ही बार नाइट्रेशन करवाया है टेन एच सी एल एनओ टू को एनएचटू में रिड्यूस करता है टेन एच सी एल बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एनओ टू को इमीजिएटली एनएस टू में कन्वर्ट कर देता है और यहां पर सेलेक्टिव रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी बच्चों सेलेक्टिव रिडक्शन मीन्स दो या पोलिनाइट्रोबेंजिन है उसमें एक बार में एक नाइट्रो को रिड्यूस कराना है ऐसा यहां पर नहीं है टेन एच कभी भी सेलेक्टिव रिडक्शन नहीं करता वो जितने भी नाइट्रो ग्रुप है इन द बेंजीन इन द कंपाउंड वो सबको एन में रिड्यूस कर देगा तीसरा है एनओ टू एच सी एल जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों इसमें हमने सोडियम नाइट्राइट एच सी एल डाला जीरो से पांच डिग्री सेंटीग्रेड पर यह नाइट्राइट एच सी एल से एच प्लस लेके एच एन ओ टू बनाता है मैंने आपसे इनऑर्गेनिक के आ, पेपर सॉल्यूशन में बताया था आपको बताया था कि एच एन ओ टू सिर्फ एक्वस्ट सोल्यूशन में ही नोन होता है और टेम्परेचर हम लेते हैं जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट हम उसके डिस्प्रोपोर्शनेशन को अवॉइड कर सकते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवाई होती तो इसके दो नुकसान होते पहला एच एन ओ टू डिसप्रोपोर्शनेट हो गया होता एच एन ओ टू नहीं होगा तो एन एच टू डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बच्चों एन टू प्लस सी एल माइनस यहां पर बनेगा एन टू प्लस सी एल माइनस ये जो जो डाइजोनियम है बच्चों सी एन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से इस वजह से जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सॉल्ट स्टेबल रहता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है वाटर सॉलिबल है और ये इतने टेम्परेचर पर ही स्टेबल है अगर आपने इसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बियॉन्ड हीट किया या इसका एवेपरेशन किया तो N2 टू प्लस गैस की तरह बाहर निकल जाएगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा टूट जाएगा इसलिए टेम्परेचर जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड डायजोटाइजेशन में हम दो रीजन से लेते हैं एक रीजन एच एन ओ टू के डिस को बचाने के लिए क्योंकि एच एन ओ टू ही एनओ NO प्लस देगा एनओ एनएच टू को एन टू प्लस में कन्वर्ट करेगा एक रीजन और दूसरा रीजन ये है बच्चों यहां पर कि सी एन बॉन्ड यहां पर पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से स्ट्रांग है लेकिन अगर आपने टेंपरेचर फाइव डिग्री सेंटीग्रेड से बियॉन्ड बढ़ाया तो एन टू प्लस बींग वेरी गुड लिविंग ग्रुप ये लीव करके निकल जाएगा वेल well, इसके बाद हम लोगों ने यहां पर रिएक्शन करवाई है वॉटर से देखिए बच्चों वॉटर से जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है वो बियॉन्ड फाइव डिग्री सेंटीग्रेड होती है अगर बियॉन्ड फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो एन टू हटेगा केटाइन बनेगा और उस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा ओएच OH लगाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये अच्छे से हो जाती है तो जस्ट वाटर आपने डाल दिया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में दोनों n2 प्लस हट के और वहां पर ओएच OH आ जाएगा अब यहां पर कंसंट्रेटेड एचओ3 n2 सो फॉर लिया नाइट्रेटिंग एजेंट है मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन का एक ओएच बेंचिन को सफिशंटली इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकुशन के लिए एक्टिवेटेड कर देता है तो यहाँ पर तो दो ओएच है तो अगेन जब हम इसका नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराएंगे एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर से रिएक्शन करवाएंगे तो एच एन ओ थ्री एंड एच टू एस ओ फोर अगेन इसका एक्सेसिव नाइट्रेशन करके हमें जो प्रोडक्ट बना देगा बच्चों वो प्रोडक्ट मैं यहां लिखता हूँ और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ऐसा कुछ मिलेगा एक्सेसिव नाइट्रेशन के साथ में <coughs> ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों इसका नाम है एक्सेसिव नाइट्रेशन हुआ ये गिवन प्रोडक्ट मिला अब हम देख लेते हैं कि गिवन प्रोडक्ट लिस्ट टू में कहां पर है फर्स्ट में नहीं है सेकंड में नहीं है थर्ड में नहीं है आगे देखते फोर में नहीं है फाइव में येस yes, ये हमारा प्रोडक्ट है फाइव में तो क्यू फाइव के साथ मैच कर दिया बच्चों क्यू फाइव के साथ मैच कर रहा है आर पे आते हैं आर रिसोर्स नॉलेज जैसा कि मैंने अभी नाम बताया था आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टू एसोफोर एंड कॉन्सेंट एच एन इससे हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं देखिए बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एच एन जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसमें भी एक्सेसिव नाइट्रेशन यहां इस तरह से इस तरह से एक्सेसिव नाइट्रेशन हो जाना चाहिए था लेकिन दिक्कत यह है कि हम किसी रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके वेरियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वेरियस प्रोडक्ट बनते भी हैं मेजर बनता है माइनर बनता है तो अगर हम रिसोर्स इनऑल का नाइट्रेशन कराएंगे तो जो एक्सेसिव नाइट्रेशन होगा और उससे ये प्रोडक्ट बनना चाहिए लेकिन हमें ऑप्शन बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है देखिए आपने यहां पर जो लैंग्वेज लिखी है यही लिखी हुई है लिस्ट वन विद एप्रोप्रिएट एंट्री इन लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है उसको पिक करना है तो क्यू को फाइव के साथ मैच किया आर को भी फाइव के साथ मैच करना चाहिए था लेकिन चारों ऑप्शन में आर को फाइव के साथ मैच नहीं किया तो फिर बेस्ट ऑप्शन फाइव के अलावा और क्या हो सकता है वही हो सकता है जिसमें रिसोर्स का नाइट्रेशन हो अब जरा देखिए रिसोर्स के नाइट्रेशन को आप देखिए फर्स्ट में भी नहीं है सेकंड में भी रिसोर्स इन का नहीं नहीं है थर्ड में भी रिसोर्स इन नहीं है फोर फोर में रिसोर्सिन नहीं है 4 में रिसोर्सि फोर yes. में रिसोर्स इन है एंड फाइव में रिसोर्स है लेकिन 5 तो ऑलरेडी बुकड है Q5. Q के साथ में 5 है तो आर के साथ फोर मैच करेगा आर के साथ फोर मैच कराना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में वही है चार ऑप्शन में सिर्फ वही ऑप्शन है तो आर के साथ हमने फोर मैच किया नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों एस अब एस में ये टोलुइन है केमिनो फोर कोल्क्राइन के मीडियम में स्ट्रांगली हीट किया तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर मैं टोलोइन को केमिनो फोर के साथ में स्ट्रॉन्गली हीट करता हूं तो साइचियन ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से बेंजोइक एसिड बनेगा सेकंड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट एच ओ थ्री एंड कौन सा देखिए बच्चों ये अगेन नाइट्रेटिंग मिक्सचर है नाइट्रेटिंग मिक्सचर डीएक्टिवेटेड बेंजीन का नाइट्रेशन कराने जा रहा है हमारे पास दो ऑप्शन है लेकिन हम क्या कराना चाह रहे हैं ये नहीं देखना है बच्चों देखना ये है कि ऑप्शन क्या है वहां पर बेस्ट ऑप्शन को हमें पिक करना है हम इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं कौन सा स्टॉफ एच एन ओ के साथ में तो एक बार हम मेटा पे कराएंगे या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेटा पे हो जाए अब अगर मान लीजिए हम एक बार मेटा में कराते हैं यह प्रोडक्ट मिलेगा दोनों बार हमने मेटा पे कराया तो क्या होता है जरा देखिए बच्चों इसके बाद एसओसीएल टू टू इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोरिनेशन कर देगा प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा बच्चो सीओसीएल एनओ टू एन एनओ टू इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाई एस एन टू टी एच से सीओ सी एल अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट मिलेगा इसका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाया बी आर टू एनओ एच से हम जानते हैं बच्चों CO -NH2 हट के एन एच टू आ जाएगा यहां मैकेनिज्म को कंसिडर नहीं करना है काम थोड़ा फास्ट करना है इसके बाद एनओ टू एच सी एल ये जो एनिलीन आपने बनाया है इसका डाई एजोटाइजेशन हो जाएगा एन टू प्लस सी एल माइनस साथ में दो एनओ टू और अब इसकी रिएक्शन हमने वाटर से करवाई तो वाटर कुछ इस तरह से ियम को फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा अब इस ऑप्शन को अगर हम देखते हैं फर्स्ट में देखिए बच्चों ये फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है लेकिन अगर मैंने यहां पर सिर्फ एक बार नाइट्रेशन करवाया होता सिर्फ एक बार नाइट्रेशन करवाया होता बच्चों तो जो प्रोडक्ट मिल रहा होता यहां पे आप इन, 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 हटा दें तो मेटा नाइट्रोफिनोल बन रहा है जो वन टू थ्री फोर फाइव किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं दैट इज वाई यहां पर मेरे को दो बार नाइट्रेशन करवाना था तो मुझे कैसे पता चला कि एक बार नाइट्रेशन करवाना है या दो बार नाइट्रेशन करवाना है ऑप्शन से वैसे भी हम जब यह पता कर लिए कि पी के साथ क्यू थ्री क्यू के साथ फाइव मैच कर रहा है आर के साथ फोर मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली बच्चों ये वाली चीज और किसी में है ही नहीं सिर्फ एस वन के साथ ही जाएगा तो उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी बाई द वे तो एस वन के साथ आएगा और यह बन जाएगा बच्चों, एस विल बी मैच्ड विद द वन